जंगल तिनकोनिया नंबर 3 गांव में वनटांगियो संघ दीपावली मनाए 153 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यर्थ नहीं जाता सकारात्मक भाव से किया गया संघर्ष। हृदय से बधाई देता हूं। अभी अभी मैं अयोध्या से ही आ रहा हूं। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप सबने देखा होगा, अवलोकन किया होगा। जैसे अयोध्या सज रही है, संवर रही है, ऐसे ही गोरखपुर, बनटांगिया और उत्तर प्रदेश भी सज और संवर रहा है। और भाइयों बहनों, यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर और अधर्म से धर्म की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, अकर्मण्यता से कर्मशीलता की ओर, यही तो ले जाने की प्रेरणा प्रदान करता है। और इसलिए इस पर्व पर पिछले 19-20 वर्षों से मुझे इस बनटांगिया क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त होता है। संघर्ष सकारात्मक भाव के साथ किया गया कोई भी संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और जो संघर्ष बनटांगिया के लिए हुआ था वह सार्थक हुआ है। और हमें प्रसन्नता और तब होती है जब मैं अब बनटांगिया गांव में भी यहां के गरीबों के पक्के मकान देखता हूं, उनको पेयजल की सुविधा देखता हूं, यहां पर भी बिजली देखता हूं, यहां पे भी अच्छे विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को देखता हूं, इनके लिए शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त होना सही मायने में यही दीपावली है और यही राम राज्य है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए और भाव यह होना चाहिए कि मैं जो करूं दूसरे का अहित किए बगैर, मेरे परिश्रम से, मेरे पुरुषार्थ से, लेकिन ये सब हो पा रहा है, सपना साकार हो रहा है, यही राम राज्य की परिकल्पना है। और इसी को साकार करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। भैया बहनों, हम सब जब साथ सामूहिक रूप से मिलकर के प्रयास प्रारंभ करते हैं उसके परिणाम भी आते हैं। परिणाम का इस उसी का परिणाम है बनटांगिया गांव में इतनी भव्यता के साथ, इस रौनक के साथ हम इन कार्यक्रमों में सहभागी बन पाते हैं। उसके परिणाम भी किस रूप में, पहले यहां के लोग भयभीत रहते थे, पता नहीं कब वन विभाग के लोग, कब पुलिस के लोगों के द्वारा यहां पे कहर बरपा दिया जाएगा, झूठे आरोप लगा करके जेल बंद कर दिया जाएगा, झूठी FIR दर्ज करवा दी जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो यहां पे सबको अपना अधिकार मिल गया है। अगर प्रदेश में हर गरीब के पास शौचालय है तो बनटांगिया गांव में भी है। प्रदेश के गरीबों के पास अपना आवास है तो बनटांगिया के हर परिवार के पास भी अपना आवास है। और बनटांगिया के बहाने ही अब तो मुसहर जाति को भी हमने पूरी तरह आवास से आच्छादित कर दिया है। मुसहर, थारू, चेरो, भुक्सा, कोल, एहरिया, ये जितनी ऐसी जनजाति की जातियां थी जिन जातियों को आजादी के बाद की सरकारों ने उपेक्षित किया था, उन लोगों तक उनका आवास पहुंच गया। और भाइयों बहनों, दीपावली का आयोजन जिसके पास आवास नहीं उसके घर में उसका एक आवास अपना बन जाए, जिसके घर में बिजली नहीं
उसके घर में बिजली का बल्ब जलने लग जाए, जिसके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं उसे रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाए, स्वस्थ ईंधन के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए, जिसके पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिल जाए, उसके लिए वही दीपावली है। और दीपावली का पर्व प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम लोग पूरा भारतवर्ष इस आयोजन के साथ जुड़ता है। प्रभु राम ने 14 वर्षों के वनवास के अपने कालखंड के दौरान वे केवल जंगलों में घूम नहीं रहे थे, एक तरफ ऋषि मुनियों को अभय प्रदान कर रहे थे, दूसरी तरफ वनवासियों को, भालुओं को, कमजोर लोगों को, गिरवासियों को गले लगा करके उन्हें उस समय की नकारात्मक ताकतों के खिलाफ, राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ उनको खड़ा करने की एक बड़ी रणनीति के तहत काम भी कर रहे थे। और अंततः हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने पूरे आर्यावर्त को और पूरी दुनिया को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया था। प्रभु राम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, जिस रावण का आतंक आर्यावर्त में इस पूरे क्षेत्र में व्याप्त था, उस रावण के आतंक से पूरे देश और पूरी दुनिया को मुक्त करने वाले प्रभु राम जब 14 वर्ष के वनवास की अवधि को संपन्न करके अयोध्या वापस आते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में जो उत्साह और उमंग का था वातावरण, उसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो आयोजन हुआ था, वही दीपावली का आयोजन है। और भाइयों बहनों, आज वही दीपावली का आयोजन है। ये मेरा सौभाग्य है कि कल मुझे अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। आपने देखा होगा कितनी भव्य दीपावली थी, 22 लाख से अधिक दीपक अयोध्या में राम जी की पेड़ी और 51 घाटों में जगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें 54 देशों के राजदूतों ने, राजनयिकों ने भाग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को वैश्विक मान्यता प्रदान करने में अपना योगदान दिया। और इसीलिए आज हम सब आए हैं, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि सबका साथ और सबके विकास का, सबका साथ सबका विकास वही है कि शासन की योजना के साथ प्राप्त हो, उसको भी मैं अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, हर गरीब वंचित दीन दुखी सबके साथ जोड़ करके, उसको गले लगा करके अगर मैं आगे बढ़ता हूं, तो भाइयों बहनों याद रखना यही फलीभूत भी होता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है, बदलते हुए भारत को भी देखा है, क्योंकि जब ईमानदारी के साथ कोई प्रयास किया जाता है तो उसके परिणाम भी परमपिता परमेश्वर से, ईश्वरीय कृपा से उसके परिणाम भी सकारात्मक ही होते हैं। आज से 6 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? एक सपना था, लेकिन आज मंदिर बन ही नहीं रहा है अब तो, बल्कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ रामलला के विराजमान के लिए तिथि भी तय हो गई है, और ये संपूर्ण भारत को अकेले ही नहीं, दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी और भारतवासी जहां कहीं भी रहता है उसके लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि है। हमारा भी दायित्व तो बनता है जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तब उस तिथि को 1 सप्ताह पहले से राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण के साथ अपने अपने घरों में पाठ बिठाना, हर घर में प्रभु राम के 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने धाम में पुनः विराजने के लिए 5-5 दीपक को प्रज्वलित अपने अपने घरों में करने की व्यवस्था
इस अवसर पर करने के संकल्प के साथ अभी से हम सबको जुड़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों, एक अद्भुत क्षण होगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, दुनिया को बताने का अवसर होगा हम शांति से भी और क्रांति से भी अपने हक को ले सकते हैं, लेने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या से राम जन्मभूमि आंदोलन, से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन इसका उदाहरण है। भाइयों बहनों, गोरखपुर विकास की दृष्टि आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, कुछ लोगों ने तो जानबूझ करके उपेक्षित किया, लेकिन आज गोरखपुर में और सब कुछ है जो गोरखपुर की आवश्यकता है। चौड़ी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी भी है, रोड की कनेक्टिविटी भी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, वायु सेवा की भी कनेक्टिविटी है, और अभी कुछ ही वर्षों के बाद हम जल मार्ग की कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वाटरवे। यानी ये अनेक सुविधाएं एक साथ विकसित होकर के इस क्षेत्र को अत्यंत समृद्धि और खुशहाली की क्षेत्र के रूप में बदलने के लिए कार्य कर रही है। पहले एक बीमार मेडिकल कॉलेज बियाड़ी मेडिकल कॉलेज था, आज भाइयों बहनों मेडिकल कॉलेज भी स्वस्थ हो गया है, साथ साथ एम्स भी गोरखपुर को सौगात के रूप में मिलकर के कार्य कर रहा है। आज रामगढ़ ताल अपनी भव्यता के लिए, गोरखपुर की सड़कें, चमचमाती हुई सड़कें अपनी भव्यता के लिए सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, रोजगार की सृजन हो रहे हैं, कहीं रामगढ़ ताल का विकास हो रहा है, कहीं चिलवा ताल का विकास हो रहा है, प्राणी उद्यान यानी गोरखपुर का चिड़ियाघर अलग ही आकर्षण पैदा कर रहा है, और रोजगार के नए सृजन के रूप में गीड़ा का विकास हम सबके सामने एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। गांव की बेहतर कनेक्टिविटी, पिपराइच में चीनी मिल, कोई सोचता था बंद चीनी मिल चलेगी, कोई सोचता था फर्टिलाइजर कारखाना फिर चलेगा, कोई कभी सोचता था कि भटड़ में भी कोई आयुष विश्वविद्यालय बन पाएगा, कहीं कोई सोच पाता था कि हमारे हॉस्पिटल, हमारे विद्यालय इतने अच्छे बन पाएंगे। हम हर गरीब हर वंचित को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे स्तर पर भी जो प्रयास हो सकता है, हर व्यक्ति अगर इस संकल्प कर ले कि मैं भी हर गरीब के लिए, हर वंचित के लिए कार्य करूंगा, तो भाइयों बहनों कहीं कोई व्यक्ति अपने आप को विकसित महसूस नहीं करेगा, कहीं कोई व्यक्ति अभाव से कृषित नहीं रहेगा। और सरकार की मंशा है, डबल इंजन की सरकार इस पर लगी है, हम सब भी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आज यहां पे दीपावली के अवसर पर बनटांगिया से संबंधित और पिछड़े जो ग्राम पंचायतें उनसे संबंधित 153 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर की इन सभी ग्राम पंचायत वासियों को, वन्य बनटांगिया गांव से जुड़े हुए सभी बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि दीपावली का यह उत्सव और उमंग का एक नया कारण बनकर के हम सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का वातावरण निरंतर देता रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।